शूट सर कैसा लग रहा है सर? देखो 40 दिन हम लोग डाइट ही है, खाना नहीं मिला, खाना नहीं खाया इतने दिन से, ढंग से स्लीपिंग बैग में सो रहे 40 दिन से, है ना, घर पे ढंग से बात नहीं हो पा रही है, 10 किलो वजन कम हो गया है, बाल इतने गिर रहे डेली की पूछो मत, है ना, और सुबह मतलब मोशन कभी 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 आता है कभी नहीं आता, सनबर्न देखो सर कितना हो रखा है भाई को कैसा लगेगा इधर अपूर को घर जा रहा है अगर आप माउंटेनियर हैं तो आपको बहुत सी कल्चर्स, बहुत से लोगों से, बहुत से टेरेन से मिलना होता है। जब आप एक जगह से चलना शुरू करते हैं तो किसी भी कंट्री में आप भले ही चले जाएं, आपको बहुत से बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। बेस कैंप की तरफ बढ़ने से पहले ये वो टाइम है जब आप काठमांडू को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि काठमांडू काफ़ी सारे धर्मों का एक एसिमिलेशन है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बहुत सी संस्कृतियाँ आकर मिलती हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा वक्त है जब हम यहाँ पर आकर आने वाली एक्सपीडिशन से पहले ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। मैं मुकला जा रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट पर। Behind me is the world's most dangerous airport and we have just landed here and it was an amazing experience. And you can still see there is one chopper is about to leave just behind me. Has just left from the runway. As you can see, the approach is very precarious and dangerous because the entire valley is nestled in high Himalayas. And as you can see, that there is an incline for this runway. And the runway has to be approached from the mountain. So that you have to enter the valley from that side, and then you have to go towards the mountain, take a sharp right, and then go onwards on the runway. And there is a steep wall in front of the runway also. There is no space for error. मैं लुकला पहुंच चुका हूं और फाइनली हम दुनिया के सबसे ख़तरनाक एयरपोर्ट पर एक सेफ लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि इस जगह पर कुछ ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन यहां पर काफ़ी ठंडा है और स्पेशली जब आप काठमांडू से नीचे से ऊपर आते हैं तो आपको काफ़ी ठंड महसूस होती है। लुकला नेपाल के ईस्टर्न साइड में मौजूद है, तो काठमांडू से आपको एक फ़्लाइट लेनी होती है जो अमूमन 20 से 25 मिनट लेती है लुकला पहुंचने के लिए, और यहाँ की एयर स्ट्रिप इतनी छोटी है कि कोई बड़ा प्लेन यहाँ पर लैंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से छोटे प्लेन्स यानी कि 2 इंजन प्लेन या फिर सिंगल इंजन प्लेन ही यहाँ पर उतर सकते हैं। यहाँ की एयर स्ट्रिप बहुत छोटी है और एक तरीके से आपको लगता है जैसे आप किसी दीवार को हिट करने वाले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लुकला में पिछले 12 साल में लगभग 11 एयर क्रैश एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, और यही बात इस चीज़ को ठीक ठीक बताती है कि लुकला कितना डेंजरस है।
लुकला एक बेहद शांत जगह है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, बहुत ही शांत एरिया है। और जब भी यहाँ पर प्लेन आते हैं आपको केवल उन्हीं का शोर, उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है। जितनी टाइम भी आप यहाँ पर रहेंगे आप एक शांति को महसूस कर सकते हैं, साफ साफ, कोई आवाज़ नहीं है दूर तक, केवल पहाड़ी झरनों का शोर आपको सुनाई देता है। बहुत बहुत सूदिंग जगह है, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। जनरली किसी भी जगह की शांति को उस जगह का कमर्शियलाइजेशन छीन ही लेता है। आप किसी भी बड़े टूरिस्ट प्लेस को देख लीजिए, वहाँ पर पूरी तरह से भीड़ भाड़ है, केओस है, शोर शराबा है, और धीरे धीरे उस जगह की जो खूबसूरती है वो छिन जाती है। लेकिन लुकला आज जिस पॉइंट पर खड़ा है वो शायद इसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वो शांति मौजूद है बावजूद इतने कमर्शलाइजेशन के, कि आप उसको बहुत शांत पाते हैं। लुकला बेहद शांत जगह है।